अब कई दफा क्या होता है ना, अगर आप इंटरनेट पे कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई दफा दोस्तों कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है तो आपका जो ध्यान है काम से हट जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐप को इंटरनेट से ब्लॉक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट तो ऑन रहे लेकिन वो स्पेसिफिक ऐप का मैसेज आपको ना आए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन आ रहा उसको दबा के सब्सक्राइब करो और साथ में एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबाना। इसका फायदा ये होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे क्योंकि हम इधर ऐसी ही मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक ऐप को अपने इंटरनेट से ब्लॉक कर दें, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इस एप्लीकेशन का नेम है NetGuard। इस एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है। ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जितनी भी ऐप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब जिस भी स्पेसिफिक ऐप को आप ब्लॉक करना चाहते हैं अपने इंटरनेट से, आपने उसको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी व्हाट्सएप को ब्लॉक करना चाहता हूं अपने इंटरनेट से। मैं चाहता हूं अगर मैं इंटरनेट पे ऑनलाइन भी रहूं लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज रिसीव ना हो, उसके लिए सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने इधर आपको सिग्नल का बटन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इधर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसको भी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन एक्टिवेट हो गई है, अब मेरी व्हाट्सएप ब्लॉक हो चुकी है इंटरनेट से। अब ना दोस्तों मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड कर सकता, ना दोस्तों मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज रिसीव कर सकता। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अब मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन करता हूं, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद इधर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं अपने फ्रेंड को, देख सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप मेरी इंटरनेट से ब्लॉक हो चुकी है, कोई भी मैसेज नहीं जा रहा। इस तरह दोस्तों आप किसी भी स्पेसिफिक ऐप को अपने इंटरनेट से ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इधर आपको एक और बेनिफिट देखने को मिल जाता है, मतलब दोस्तों एक तीर में दो शिकार इधर हो जाते हैं। कुछ दोस्तों ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपके इंटरनेट को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही होती हैं, तो आप इधर से उसको देख सकते हैं कि कौन सी ऐप आपके इंटरनेट को ज्यादा कंज्यूम कर रही है, आप उस ऐप को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब आपने किस तरह देखना है कि कौन सी ऐप आपके इंटरनेट को ज्यादा कंज्यूम कर रही है, उसके लिए सिंपल आपने सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद ड्यूल सिम एंड मोबाइल में जाना है। उसके बाद इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद इधर आपके सामने पूरी डिटेल आ गई है कि कौन सी ऐप आपका कितना इंटरनेट कंज्यूम कर रही है। जैसे कि दोस्तों क्रोम 3.0 2GB सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो अगर आप इस ऐप को यूज नहीं कर रहे तो आप सिंपल इसको इधर से ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी भी बचेगी और आपका इंटरनेट भी डाटा जल्दी कंज्यूम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को लाजमी दबाना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लाजमी बताना ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।